हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल उत्तर जी के ट्रिक में स्वागत है। जैसे कि हम डेली जो है सुबह को 7:30 बजे करंट अफेयर की क्लास लेकर आते हैं, आज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ आगामी परीक्षाओं को देखते हुए। चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक किस राज्य में 50 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना करेगी। यानी कि एशियाई बैंक जो है ये भारत में जो है किस राज्य में 25 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगी। यानी कि कितने वाट का होगा ये, 25 मेगावाट का। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु राज्य में एशियाई विकास बैंक जो है 25 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगी। एशियाई विकास बैंक की जो स्थापना हुई 1966 में, इसकी स्थापना ही मुख्यालय इसका मनीला में है। कहाँ पर है? मनीला। यहाँ से ये भी याद रखना है। और मनीला में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? रेमन मैक्सेज अवार्ड जो है मनीला में दिए जाते हैं। रेमन मैक्सेज जो अवार्ड है ये कहाँ दिए जाते हैं? मनीला के अंदर। और आपको पता होगा विश्व चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ये भी मनीला में ही पड़ता है, चावल अनुसंधान केंद्र। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किस कंपनी ने भारत में भूकंप चेतावनी प्रणाली शुरू की। यानी कौन सी कंपनी है जिसने भारत में भूकंप चेतावनी प्रणाली शुरू की है। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, गूगल। गूगल ने जो है भारत में भूकंप चेतावनी प्रणाली शुरू की है। और आपको बता होगा भूकंप की जो तरंगें हैं काय में मापी जाती हैं? टी स्केल में नापी जाती हैं। यहां से ये भी याद रखना। इसका अध्ययन क्या कहलाता है? सीस्मोलॉजी। सीस्मोलॉजी इसका अध्ययन कहलाता है भूकंप का। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राजमार्ग पर देश का पहला इलेक्ट्रिक हाईवे लेन बनाया जाएगा। यानी कि जो है किस राजमार्ग पर जो है देश का पहला होगा ये इलेक्ट्रिक हाईवे लेन बनेगा। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका दिल्ली से जयपुर। दिल्ली से जयपुर को जो है देश का पहला इलेक्ट्रिक हाईवे लेन बनेगा। और आपको पता होगा जयपुर में जो है पहला ओटीपी टावर लगाया गया है। ओटीपी टावर ये कहाँ लगा है? पहला ये जयपुर के अंदर स्थापित किया गया है। G20 की जो बैठक संपन्न की गई है वो नई दिल्ली में शुरू की गई थी। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत किस शहर में पेटा टेबल मार्ट 2023 शुरू करेगा। यानी कि जो है पेटा टेबल मार्ट 2023 शुरू करेगा। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में जो भारत पेटा टेबल मार्ट 2023 शुरू करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, लॉन्च पुस्तक द डे आई बीकम ए रनर के लेखक कौन है। यानी कौन सी पुस्तक होगी ये? द डे आई बीकम ए रनर के लेखक कौन है। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, एस चट्टोपाध्याय जो है इसके लेखक हैं। और आपको पता होगा अभी एक पुस्तक जो है लॉन्च की गई थी अजय टू योगी आदित्यनाथ उपन्यास, ये किसने लिखा था? शांतनु गुप्ता ने। किसने लिखा था? शांतनु गुप्ता ने। ये भी यहां से याद रखना। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कानून तकनीकी और न्याय पर उत्तर क्षेत्र वन सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ। यानी कि कानून जो है तकनीक और न्याय पर उत्तर क्षेत्र वन सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा बी, नैनीताल। नैनीताल में जो है कानून तकनीकी और न्याय पर उत्तर क्षेत्र वन सम्मेलन शुरू किया गया है। और राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ये देहरादून में पड़ता है। पटना किस नदी पर है? गंगा नदी के किनारे पर है। कहाँ पड़ती है? बिहार में। लखनऊ जो है ये गोमती नदी के किनारे पर है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष किसे चुना गया। यानी इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है, ये किसे चुना गया। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, राकेश शर्मा। राकेश शर्मा को जो है इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुब्रतो कप सर्व जूनियर अंडर 14 चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई। यानी सुब्रतो कप का जो है आयोजन हो चुका है और ये कहाँ पर हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, बेंगलुरु में। बेंगलुरु में इसका आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किसने ऐप आधारित इनवॉइस फाइनेंसिंग
ऋण मंच लॉन्च किया। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं, सही आंसर होगा इसका बी, सिडबी। सिडबी ने जो है इनबोइन पाइन सिंह ऋण मंच शुरू किया है। और आपको बताऊंगा नाबार्ड की स्थापना जो हुई थी 1982 में इसकी स्थापना की गई। आरबीआई की जो स्थापना हुई है तो ये 1935 में इसकी स्थापना की गई। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया, यानी कि मेडिसिन का जो नोबेल पुरस्कार है किसे इसके लिए किसे चुना गया। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं, सही आंसर होगा इसका ए, केटालिन कारिको और ड्रूब बिस्मैन को ये पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बनी, यानी जो है ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं और ये कौन बनी है। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं, सही आंसर होगा इसका बी, सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति जो है ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली महिला भारतीय बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने कुसिनो माने योजना शुरू की, यानी कौन सा राज्य होगा जिसने जो है कुसिनो माने योजना शुरू की है। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं, सही आंसर होगा इसका डी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने जो है कुसिनो माने योजना शुरू की है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किस राज्य ने कुसानो माने योजना शुरू की, यानी कि जो है किस राज्य ने कुसानो माने योजना शुरू की। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं, सही आंसर होगा इसका डी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने जो है कुसानो माने योजना शुरू की है। और आपको पता होगा चंदन के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, चंदन के जो वृक्ष पाए जाते हैं, चंदन के जो वृक्ष पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं, कर्नाटक में ही पाए जाते हैं। कोलार जो सोने खान है, कोलार ये कहाँ पड़ती है, ये भी कर्नाटक में ही पड़ती है। और दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ बनाया गया, हुबली। हुबली ये कहाँ पड़ता है, ये भी कर्नाटक में ही पड़ता है। SCO की बैठक जो हुई है वर्तमान में कहाँ हुई है, ये हुई है हमारी उत्तर प्रदेश राज्य में। और 17वां प्रवासी सम्मेलन कहाँ हुआ है, ये मध्य प्रदेश में संपन्न किया गया। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की, यानी कि धर्मेंद्र प्रधान जो है इन्होंने जो है किस राज्य में उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं, सही आंसर होगा इसका सी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में जो है धर्मेंद्र प्रधान ने उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। और आपको पता होगा G20 की बैठक कहाँ पर हुई है, ये भी हमारी नई दिल्ली में हुई है। और आपको पता होगा नदी महोत्सव का जो आयोजन हुआ है ये कहाँ पर हुआ है, ये भी नई दिल्ली में ही हुआ है, यहाँ से ये भी याद रखना है। और आपको पता होगा पहला स्मोक टावर कहाँ लगा है, स्मोक जो टावर लगा है ये कहाँ पर लगा है, ये भी नई दिल्ली में ही लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किस राज्य ने बाल विवाह के खिलाफ अभियान शुरू किया, यानी कौन सा राज्य है जिसने बाल विवाह के खिलाफ अभियान शुरू किया। चलिए फ्रेंड्स इसका सही आंसर देखते हैं, सही आंसर होगा इसका बी, असम। असम राज्य ने जो है बाल विवाह के खिलाफ अभियान शुरू किया। और भारत का पहला जिला कौन सा है बाल विवाह मुक्त, उसका नाम है गंजाम। गंजाम जो है पहला बाल विवाह मुक्त है, यहाँ से ये भी याद रखना। कहाँ पड़ता है, ओडिशा राज्य में पड़ता है। असम में आपको पता होगा डिगबोई कहाँ पड़ती है, डिगबोई ये तेल संयंत्र है, ये कहाँ है, ये भी असम में ही पड़ता है। माजुली द्वीप संसार का सबसे बड़ा, माजुली जो द्वीप है ये कहाँ पड़ता है, ये भी असम में ही पड़ता है, यहाँ से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, SBI के अनुसार भारत किस वर्ष तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, यानी कि SBI के अनुसार भारत किस वर्ष तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं, सही आंसर होगा इसका सी, 2027 तक जो है भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। SBI इसकी जो स्थापना हुई तो 1955 में इसकी स्थापना हुई, यहां से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू की, यानी कौन सा राज्य होगा जिसने प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू की।
फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं, सही आंसर होगा इसका सी। हरियाणा राज्य ने जो है पिराना वायु देवता पेंशन योजना शुरू की, यहां से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मंत्रालय ने विवाह पर्यटन अभियान शुरू किया, यानी कौन सा मंत्रालय है जिसने विवाह पर्यटन अभियान शुरू किया। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं, सही आंसर होगा इसका ए। पर्यटन मंत्रालय ने जो है विवाह पर्यटन अभियान शुरू किया है। और नवीनतम जो हमारा मंत्रालय है वो कौन सा है, सहकारिता मंत्रालय, नवीनतम मंत्रालय। इसके जो मंत्री बने थे नवीनतम, कौन बने थे सहकारिता मंत्रालय के, अमित शाह, यहाँ से भी याद रखना है, अमित शाह, यहाँ से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने ओलम पर्व मनाया, यानी कौन सा राज्य है जिसने ओलम पर्व मनाया है। चलिए फ्रेंड्स इसका सही आंसर देखते हैं, सही आंसर होगा इसका डी, केरल राज्य ने जो है ओलम पर्व मनाया है। और पोंगल किस राज्य में मनाया जाता है, पोंगल, तो यहां से ध्यान रखना है पोंगल जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड के तहत 100 ई बसें मिलेंगी, यानी कि किस राज्य को जो है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड के तहत 100 बसें मिलेंगी। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं, सही आंसर होगा इसका ए। जम्मू कश्मीर राज्य को जो है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड के तहत 100 ई बसें मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लॉन्च पुस्तक कारगिल एक यात्री की जुबानी के लेखक कौन है, यानी कि पुस्तक लॉन्च की गई है कारगिल एक यात्री की जुबानी, इसके लेखक कौन है। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं, सही आंसर होगा इसका सी, ऋषि राज जो है एक यात्री की जुबानी के लेखक है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 20 करंट अफेयर से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आगामी परीक्षा को देखते हुए। कैसी लगी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।